संडे का दिन रहता है। दया शॉपिंग करके घर आती है तो देखती है कि उसके फ्रेंड्स घर आए हुए हैं। उन्हें देखकर दया बहुत खुश होती है। फिर सभी बातें करते हैं। तभी अंजलि कहती है, दया तुमने क्या क्या शॉपिंग किया? तो दया सभी को अपना न्यू लहंगा दिखाती है। सभी को वो लहंगा बहुत पसंद आता है और सभी लोग उसकी बहुत प्रशंसा भी करते हैं। ये सभी बातें होने के बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। दया भी लहंगा को साइड पर रखकर वो अपने कमरे पर आराम करने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो उठती है, फिर लिविंग रूम पर आती है तो वहाँ देखती है कि लिविंग रूम पर लहंगा नहीं है। वो बहुत परेशान हो जाती है और वो इधर उधर ढूंढने लग जाती है, लेकिन वो उसे कहीं मिलता नहीं है। फिर उसे अपने दोस्तों के ऊपर शक होता है, क्योंकि उस लहंगा के बारे में बस उन्हें ही पता था। फिर सभी को तुरंत कॉल करके अपने घर बुलाती है। थोड़ी ही देर में वो सभी पहुंच जाते हैं। सभी से पूछती है, मेरा लहंगा मुझे मिल नहीं रहा है, क्या तुम लोगों में से किसी ने लिया है? तो सभी लेने से इनकार करते हैं। फिर दया सभी से एक एक करके पूछती है, मेरे घर से जाने के बाद तुम सभी क्या कर रहे थे? अंजलि कहती है, मैं तो तारक के साथ मूवी देख रही थी, मुझे तुम्हारे लहंगा के बारे में कुछ नहीं पता। माधवी कहती है, मैं तो ग्रोसरी का सामान लेने मार्केट गई थी, मुझे भी तुम्हारे लहंगा के बारे में कुछ नहीं पता। रोशन कहती है, मैं गोगी को स्कूल लेने गई थी, मुझे भी तुम्हारे लहंगा के बारे में कुछ नहीं पता। बबीता कहती है, मुझे बहुत नींद आ रही थी इसलिए मैं सो गई थी। इन सभी का बातें सुनने के बाद दया को तुरंत पता चल जाता है कि उसका लहंगा किसने चुराया है। तो दोस्तों, क्या आपको पता चला कि दया का लहंगा किसने चुराया है? अगर आपको पता चला तो हमें नीचे जल्दी से कमेंट करके बताइए। आपके पास सोचने के लिए 10 सेकंड का टाइम है। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, इनमें से चोर कोई और नहीं रोशन है, क्योंकि उसने कहा कि वो गोगी को स्कूल लेने गई थी। जबकि मैंने आपको पहले के स्टार्टिंग में ही कहा था कि आज संडे है और संडे को स्कूल बंद रहती है, तो वो गोगी को स्कूल लेने कैसे जा सकती है? तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको आंसर जानने में कितने सेकंड लगे थे।